हेलो एवरीवन, आज हमारा क्लास 7th का चैप्टर 4 है जिसका नाम है एयर, जिसको हम हिंदी में हवा बुलाते हैं। तो आसपास है ना आपके हमेशा हवा होती है, लेकिन आपको है ना वो सिर्फ फील हो रही होती है, आप उसे देख नहीं सकते, ठीक है। तो जो ये ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर है हमारे आसपास, इसको हम क्या बुलाते हैं? एटमोसफेयर बुलाते हैं, ठीक है। हमारे जो सारे लिविंग बींग्स हैं धरती पर, जितने भी जिंदा लोग हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब है ना एयर पे डिपेंडेंट है। अगर एयर नहीं होगी, सांस नहीं ले पाएंगे हम, तो हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा है ना, सूरज की जो किरणें आती है वो अपने साथ है ना बहुत ही हार्मफुल रेज लेके आती है, जिनको हम यूवी रेज बुलाते हैं, ठीक है। उनसे भी हमें बचाता है हमारा एटमोसफेयर। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, हम है ना ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के लिए पहले मेरी ये वाली बात समझिए। तो आपको पता है कुछ कुछ एरिया में है ना बहुत ठंड पड़ती है, वहां पे ना पौधे उगाना, सब्जियां उगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम वहाँ क्या करते हैं, ग्लास हाउस बनाते हैं, और उस ग्लास हाउस के अंदर हम सब्जियां उगाते हैं, उस पेड़ उगाते हैं। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? तो आपको पता है पौधों को उगने के लिए ना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो जब हम ग्लास लगा देते हैं, उसके अंदर जब सनरेज जाती है, वो सनरेज वहां पर ट्रैप हो जाती है, और वहां का जो एवरेज टेम्परेचर है वो मेंटेन रह जाता है। यानी कि बाहर है ना चाहे बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही हो, लेकिन अंदर का है ना एक टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ठीक है। इस इम्पैक्ट को है ना हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो ऐसे ही है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, जब एटमोसफेयर में सूरज की किरणें आ रही होती है, ठीक है, वो उनको ट्रैप कर लेती है, और इसलिए ना अर्थ का टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा गर्म होता है, ना बहुत ज्यादा ठंडा होता है। कुछ एरियाज में बहुत ठंडा रहता है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस इम्पैक्ट। और इस ग्रीन हाउस गैस की वजह से लेकिन होता क्या है, हम यहाँ पे रह तो पा रहे हैं, लेकिन आजकल ये टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है जब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होते रहता है, और उसकी वजह से हमारे ग्लेशियर्स पिघलते हैं। ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से हमारा जो सी है, ठीक है, सी का जो लेवल है वो इंक्रीज करता है। अब जब सी लेवल इंक्रीज करता है तो क्या होता है, हमारे जो कोस्टल एरियाज है वो डूबने लग जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बाढ़ आने लग जाती है, ऐसी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग एक अच्छी चीज़ नहीं है, हम बहुत परेशान है इस वाली बात से। उसके बाद है ना हमारे एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन कैसे कैसे, यानी कि मैंने बताया ना आपके आसपास बहुत सारी गैसेज है, लेकिन कौन सी गैस कितनी प्रेजेंट है आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो गैस है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है हमारे एटमोसफेयर में, 78% नाइट्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन गैस जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो 21% है, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड देखो कितनी कम है परसेंटेज में, 0.03% है, बट ये कितना प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारे लिए। उसके बाद जितनी भी गैसेस बच गए उनको हम ऑल अदर गैसेस की कैटेगरी में रखते हैं, 0.04%, ठीक है। तो आपको इनकी परसेंटेज याद होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो नाइट्रोजन है वो है ना प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नाइट्रोजन है ना आपको पता है ना हमारी सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, वरना हमारे प्लांट है ना हेल्दी नहीं रह पाते हैं। इसलिए हम है ना उनमें फर्टिलाइजर्स डाल रहे होते हैं, यूरिया डाल रहे होते हैं, कंपोस्ट डाल रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा नाइट्रोजन, अब आप बोलोगे एटमोसफेयर में तो 78% नाइट्रोजन है, फिर नाइट्रोजन की इतनी कमी क्यों हो रही है? तो जो प्लांट है वो डायरेक्टली हवा से नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बुलाते हैं। वो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि पौधे इसे इस्तेमाल कर पाए, ठीक है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। अब आपको मैंने बताया कि ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं हवा से सांस लेने के लिए, ठीक है। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसमें वो ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है सूरज की किरणों का यूज करके जब वो अपना खाना बनाते हैं, उसी में एक बायो प्रोडक्ट बनता है जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, उसको वो बाहर छोड़ देते हैं, उनके वो किसी काम का नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ही काम का है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होंगे तो ग्रीन प्लांट्स उसको यूज किए बिना अपना खाना कैसे बनाएंगे, ऑक्सीजन कैसे रिलीज करेंगे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद जो आपका एटमॉस्फेयर होता है, जो मैंने बताया ह्यूज ब्लैंकेट है हमारे आसपास एयर का, ठीक है, यहाँ पे है ना बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है, 5 लेयर्स प्रेजेंट है। आपको इनके नाम पता होना चाहिए, इनके फंक्शंस पता होना चाहिए, कौन कितनी हाइट पे प्रेजेंट है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ना हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। सोचो आप है ना एकदम नीचे खड़े हो, यहाँ से जब आप है ना ऊपर आसमान में जा रहे हो 13 किलोमीटर अबव आप हो, तो यहाँ पे जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर 13 किलोमीटर अबव तक है, ठीक है। यहाँ पे ना वेदर फॉर्मेशन हो रहा है, आज आपके एरिया में बारिश पड़ रही है, स्नो पड़ रही है, तो ये जो सारे वेदर फिनोमिना है ये है ना इस लेयर में हो रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना ओजोन लेयर भी प्रेजेंट होती है, लेकिन सिर्फ 10%, ठीक है। और जो हवा सांस लेने के लिए जो हवा हम यूज करते हैं वो भी ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। अगर आप 50 किलोमीटर ऊपर है हाइट में, तो यहाँ पर
से इस लेयर को हम कहेंगे स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ पे है ना एरोप्लेन फ्लाई करते हैं, तो आपसे ना एक मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एरोप्लेन किस जोन में फ्लाई करते हैं, किस लेयर में फ्लाई करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेटोस्फेयर में। अब ओजोन गैस का फॉर्मूला होता है O3, आपको पता ना ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2 और O3 फॉर्मूला होता है ओजोन का, ठीक है। तो ओजोन गैस का रोल क्या है, आपको पता ना हमारी अर्थ को है ना एक लेयर कवर कर रही है जिसको हम ओजोन बुलाते हैं, जो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। ये क्या करती है, जब सन की हार्मफुल रेज आती है, यूवी रेज आती है, उनको ना ये वहीं पर ट्रैप कर लेती है, ठीक है। तो ओजोन 90% स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, 10% ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मीजोस्फेयर लेयर। ये ना अगर आप 80 किलोमीटर की हाइट पे हो नीचे से, तो आप कौन सी लेयर में हो, आप मीजोस्फेयर लेयर में हो। आपने कभी कभी अगर आसमान में देखा है या फिर मूवीज में देखा है, रात के टाइम पे है ना हम ऐसा कहते हैं टूटता तारा जा रहा है, ठीक है। तो टूटता तारा कुछ नहीं होता है, टूटता तारा एक मेटियोर है जो अर्थ के सरफेस में जब एंटर करता है और मीजोस्फेयर लेयर में जब होता है, वो वहां पे ना जलने लग जाता है, और वो जो हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, हमें ऐसा लगता है कि तारा टूट रहा है, ठीक है। तो मेटेराइट बर्न अप इन दिस लेयर, ठीक है, इस लेयर में मेटेराइट बर्न हो जाते हैं। कौन सी लेयर में, मीजोस्फेयर लेयर में। उसके बाद आती है हमारी थर्मोस्फेयर लेयर। अगर आप 80 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर, देख रहे हो कितनी बड़ी है ये लेयर, ठीक है, कितनी कितनी ज्यादा हाइट तक इसकी लेयर है। यहाँ पे है ना एकदम से टेम्परेचर बढ़ता है, इसका नाम है ना थर्मोस्फेयर। कभी कभी है ना इसे हम आइनोस्फेयर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे आयंस प्रेजेंट रहते हैं इस वाली लेयर में, ठीक है। तो रेडियो ट्रांसमिशन, आप जो सारा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सुन पाते हो, वो सारा का सारा ट्रांसमिशन किस लेयर की वजह से प्रेजेंट हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है, थर्मोस्फेयर की वजह से, ठीक है। तो रेडियो ट्रांसमिशन इस लेयर की वजह से ही प्रेजेंट है, थर्मोस्फेयर। और एकदम से है ना वो ये पूछ सकते हैं कि कौन सी लेयर होती है जिसमें ना टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो थर्मोस्फेयर होती है। उसके बाद हमारी लास्ट लेयर आती है एक्सोस्फेयर। आप अगर 400 किलोमीटर के अबव आप देखोगे एटमॉस्फेयर में, तो वहां पे कौन सी लेयर होगी, एक्सोस्फेयर होगी। यहाँ पे ना लाइट गैसेस फ्लोट कर रही होती है, बस हीलियम एंड हाइड्रोजन। तो आपको है ना ये पांचों लेयर के नाम पता होना चाहिए, कौन किस हाइट पे प्रेजेंट है आपको ये पता होना चाहिए, और इसके फंक्शंस क्या है ये आपको प्रेजेंट पता होना चाहिए, ठीक है। एरोप्लेन स्ट्रेटोस्फेयर में क्यों फ्लाई करते हैं, क्योंकि वहां पे है ना ये ना वेदर फ्री है ये जोन, ठीक है। यहाँ पे ना कोई वेदर फॉर्मेशन टेक प्लेस नहीं कर रही होती, तो इसलिए क्या हो रहा होता है, यहाँ पे आराम से एरोप्लेन फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ट्रोपोस्फेयर नीचे से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 13 किलोमीटर। तो एक लेयर आती है ट्रोपोपॉज बोलते हैं इसको हम। ट्रोपोपॉज का मतलब होता है यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर लेयर खत्म हो जाएगी, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर लेयर शुरू हो जाती है। देख रहे हो ना आप एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, ओजोन दिखाई दिखाई दे रही है हमें इस वाली लेयर में। इसके बाद है ना यहाँ पे स्ट्रेटोपॉज आ जाएगा, फिर मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। इन सारी लेयर्स का आपको नाम पता होना चाहिए, इनके फंक्शंस पता होने चाहिए। उसके बाद आता है वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर किस चीज को बुलाते हैं, क्लाइमेट किस चीज को बुलाते हैं, इनके बीच में ना बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन उस डिफरेंस की वजह से है ना हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो वेदर का मतलब होता है आज आपके एरिया में कैसा टेम्परेचर है, ठीक है, बारिश हो रही है कि ठंड पड़ रही है, आज क्या हो रहा है, ठीक है। डे टू डे की जब हम बात कर रहे हैं ना, घंटे टू घंटे की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, वेदर की, ठीक है। और एक पूरे इलाके में, जैसे मैंने आपके सामने ना राजस्थान का नाम लिया, या फिर मैंने आपके सामने जम्मू कश्मीर का नाम लिया, तो आपने ना एकदम से दिमाग में इमेजिन किया कि राजस्थान मतलब बहुत गर्मी पड़ रही होगी और जम्मू कश्मीर मतलब बहुत ठंड पड़ रही होगी, ठीक है। तो 20 25 साल 50 साल से एक पर्टिकुलर रीजन का कैसा क्लाइमेट है, कैसा कैसे वहां पे कंडीशंस है, गर्मी पड़ती है, ठंड पड़ती है, उसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में जो इमेजिनेशन आता है, ठीक है, उसको हम क्या बुलाते हैं, क्लाइमेट बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप किसी चीज को छूते हो, तो आपको पता चलता है ये चीज ठंडी है, ये चीज गर्म है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को हम क्या बुलाते हैं, टेम्परेचर, ठीक है। और टेम्परेचर को मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जिस इंसान ने इस यूनिट को डिस्कवर किया था, उनका नाम था एंड्रियस सेल्सियस, इसलिए उनको ऑनर करने के लिए इसकी यूनिट क्या रखी गई है, सेल्सियस रखी गई है। आपको पता है जब आप पानी लेते हो और 0 डिग्री सेल्सियस पे जब पानी होता है, ठीक है, तो हमारा पानी जो है वो बर्फ बन जाता है, ठीक है। और पानी को अगर आप गर्म कर रहे हो, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वो बॉयल होने लग जाता है। अगर आप पानी को गर्म करते हो, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, ठीक है। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस क्या कहलाती है, टेम्परेचर। अब किसी जगह पे कितना ठंड पड़ेगी, कितनी गर्मी पड़ेगी, ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये ना सूरज की किरणों पे डिपेंड करता है। और इस इंपैक्ट को हम बुलाते क्या है, इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब होता है सूरज की जो किरणें आ रही है, उसको है ना एटमॉस्फेयर ने इंटरसेप्ट कर लिया है, ठीक है, तो उसको हम इंसोलेशन बुलाते हैं। और क्या होता है, इक्वेटर पे इंसुलेशन बहुत हाई होता है, यानी कि वहां पे है ना बहुत ज्यादा रेज हम ट्रैप कर लेते हैं, इस वजह से वहां पे क्या होता है, बहुत गर्मी पड़ रही होती है इक्वेटर पे। पोल्स में है ना बहुत ठंड पड़ रही होती है, आपको पता है ना पोल्स एकदम जमे रहते हैं, वहां पे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो है एकदम बर्फ जमा रहता है वहां पे। उसके बाद है ना कौन सा डिवाइस क्या मेजर करने के लिए यूज होता है, तो थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। जब भी आपको कभी फीवर होता है, तो आप कहते हो ना कि
थर्मामीटर ले आओ, टेम्परेचर मेजर करके देखते हैं। बैरोमीटर जो एक डिवाइस होता है वो है ना एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है। रेन गॉज, आपको पता है ना जब कभी बारिश हो रही होती है तो कहते हैं आज दिल्ली में है ना सबसे ज्यादा बारिश पड़ी, इतने सालों में सबसे ज्यादा बारिश आज पड़ी, ठीक है, या फिर आज इतने मिलीमीटर की बारिश हुई। ये सारी बातें पता कैसे चलती है? अब आपने कभी सोचा कि उनको कैसे पता चल रहा है कि आज कितने मिलीमीटर की बारिश हुई है? ठीक है, तो ये हमें पता चलता है रेन गॉज की वजह से। रेन गॉज एक ऐसा डिवाइस है जो हमें ये बताता है कि आज कितनी बारिश पड़ी है। ठीक है, उसके बाद आता है विंड वेन। विंड वेन ना आपने देखा भी होगा, आपको पता है एक विंड वेन का काम क्या होता है? आपको है ना ये बता रहा होता है कि किस डायरेक्शन की हवा आ रही है, ठीक है, आज कौन सी डायरेक्शन में हवा चल रही है। तो अगर आपने है ना परमाणु मूवी देखी है, ठीक है, तो उसमें है ना जब न्यूक्लियर टेस्ट वो करने वाले थे तो उससे पहले ना वो बोलता है कि सर रुक जाइए रुक जाइए, क्यों? तो कहते हैं कि जो हवा है वो पाकिस्तान की तरफ चल रही है, तो अगर हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे तो उस तरफ ही हवा चली जाएगी, ठीक है, मतलब उस तरफ उसका इम्पैक्ट चला जाएगा। ठीक है, तो वो जिस डिवाइस को घूमता हुआ दिखा रहे होते हैं वो क्या होता है? विंड वेन होता है। ठीक है, अब देखो ऐसा दिखता है विंड वेन, ठीक है, और विंड वेन आपने देखा होगा ये है ना विंड की डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है, आज हवा किस तरफ से चल रही है। उसके बाद आता है एयर प्रेशर। तो आपको पता है ना हमारे आसपास बहुत सारी एयर प्रेजेंट है, तो वो भी तो एक प्रेशर एग्जर्ट करती है ना अर्थ के सरफेस पे, वो एक प्रेशर लगाती है, उसको हम क्या बुलाते हैं? एयर प्रेशर बुलाती है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर प्रेशर जो होता है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, तो सी लेवल पे जो प्लेन एरिया में है, सी लेवल है, वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है एयर प्रेशर, और जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड के साथ बढ़ते जाते हैं पहाड़ी पे जा रहे होते हैं वहां पे एयर प्रेशर बहुत कम हो जाता है। इसलिए अगर आप कभी पहाड़ी वाले एरिया में गए होंगे ना तो वहां पे क्या होता है आपके नाक से खून आने लग जाता है समटाइम, क्यों? क्योंकि एयर प्रेशर इतना लो हो जाता है। समटाइम आपको वहां पे बहुत वीकनेस फील होने लग जाती है, सांस लेने में दिक्कत फील होने लग जाती है। ये सारी चीजें क्यों होती है? क्योंकि वहां पे ना बहुत ही लो प्रेशर है। ठीक है, तो ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ही लो प्रेशर एरिया है, ठीक है, वहां पे क्या होता है एकदम बारिश जैसे क्लाउडी स्काई और मतलब बारिश जैसा मौसम हुआ रहता है। ठीक है, आपने देखा ना पहाड़ी वाले एरिया में हमेशा ऐसा ही मौसम हुआ रहता है, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है वहां पता ही नहीं चलता है। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे लोअर टेम्परेचर होता है, हवा ठंडी होती है, ठीक है, भारी होती है, वहां पे क्या होता है हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। और हाई प्रेशर एरिया किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वहां पे ना एकदम आसमान साफ रहेगा। ठीक है, और हवा हमेशा है ना हाई प्रेशर से किस एरिया में जा रही होती है? लो प्रेशर में। किसी चीज की कहीं पे कमी है वहीं जाएगी ना। ठीक है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर हमेशा मूव करती है। ठीक है, तो एयर कहाँ मूव करती है? हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ। उसके बाद हवा किसको बुलाते हैं? हम विंड किसको कहते हैं? तो विंड का मतलब होता है जब है ना हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूवमेंट होती है एयर की, उसे हम क्या बुलाते हैं? विंड बुलाते हैं। ठीक है, और विंड का नाम ना हम इस बेसिस पर रखते हैं वो किस डायरेक्शन में बह रही होती है। तो आप है ना अगर अपने घर में एल्डर्स को कभी देखोगे तो वो ना ऐसे बात करते हैं क्योंकि उनको ये नाम नहीं पता होता है, तो वो कहते हैं आज है ना पूर्वा हवा चल रही है, आज है ना पश्चिमी हवा चल रही है। ठीक है, तो मुझे बचपन में बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो इसकी बात कर रहे होते हैं। तो हवाओं को ना आप तीन कैटेगरीज में डाल सकते हो, परमानेंट विंड, सीजनल विंड एंड लोकल विंड। ठीक है, तो परमानेंट विंड वो होती है जैसे ट्रेड विंड है, वेस्टर्लीज है, ईस्टर्लीज है, जिनको वो पूर्व और पश्चिम में बुला रहे थे। ठीक है, वो वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज होती हैं। ठीक है, ये परमानेंट विंड है, यानी कि ना पूरे साल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बहती है। ठीक है, उसके बाद आती है सीजनल विंड। सीजनल विंड क्या करती है? जैसे जैसे सीजन बदलेगा इनकी डायरेक्शन बदल जाती है। जैसे आपको पता है मानसून जो है इंडिया में वो है ना जुलाई जून के मंथ में आ रहा होता है, उसी टाइम पे जो हवा चल रही होती है उसको हम मानसून बुला रहे होते हैं ना, बाकी टाइम पे अब सर्दियों में अगर हवा चल रही है उसको हम मानसून नहीं बुलाएंगे। ठीक है, उसके बाद आती है लोकल विंड। लोकल विंड का मतलब होता है जब कोई पर्टिकुलर पीरियड के टाइम पे जो हवा चल रही है, किसी पर्टिकुलर एरिया में ही जो हवा चलती है, जैसे कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। और उसके अलावा अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं ना, ठीक है, ये जो पंजाब, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, ये पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न बेल्ट है, यहाँ पे ना इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है, और एक इतनी ड्राई एयर इस एरिया में चल रही होती है जिसको लू बुलाते हैं। इवन आपके घर वाले कहते हैं कि बाहर नहीं जाना वरना लू लग जाएगी। तो लू लग जाएगी का मतलब होता है कि लू आपकी तबीयत खराब कर सकती है, ये ऐसी हवा होती है इतनी ड्राई होती है कि आपकी तबीयत खराब हो जाती है इसमें। ठीक है, और ये लोकल विंड का टाइप है। उसके बाद आता है मॉइस्चर। तो आपको पता है हमारे आसपास जो हवा है वो सिर्फ है ना ड्राई एयर नहीं है ना, वो उसके अंदर है ना पानी भी प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा पानी भी प्रेजेंट होता है, इसलिए उस पानी को हम क्या बुलाते हैं? ह्यूमिडिटी बुलाते हैं। ठीक है, तो जब एयर में है ना पूरा पानी भरा रहे तो उस दिन हम है ना ह्यूमिड डे कहते हैं। हम कहते हैं ना यार आज बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है, आज बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है। ठीक है, उस दिन है ना अगर आप कूलर की हवा में बैठे ना आपको बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। ठीक है, और कपड़े सूखने में ना बहुत देर लगती है उस दिन। ठीक है, आसानी से हमें ना बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है क्योंकि पसीना भी उस दिन आसानी से नहीं सूख रहा होता, हमारे कपड़े भी नहीं सूख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है ना कपड़े सूखने का फिनोमिना होता है एवोपरेशन। एवोपरेशन का मतलब है आसपास जो हवा है वो एकदम सूखी है, वो पानी कपड़ों में से निकाल के अपने अंदर ले लेती है और कपड़े सूख जाते हैं। अब सोचो पहले से ही हवा के अंदर पानी है, ठीक
ठीक है, तो वो क्या करेगी, कपड़ों में से पानी बहुत ही कम निकाल पाएगी, बहुत ही कम पानी को सुखा पाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, उस दिन है ना कपड़े सूखने में भी बहुत देर लग रही होती है। और जब पानी है ना, वाटर वेपर जो है वो कंडेंस हो जाती है, ड्रॉप बन जाती है, ठीक है। वो बारिश जब ड्रॉप बन के नीचे गिरने लग जाती है, उसको हम क्या बुलाते हैं, प्रेसिपिटेशन बुलाते हैं, इसको ही हम बारिश बुलाते हैं। प्रेसिपिटेशन जब लिक्विड फॉर्म में नीचे गिरता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेन कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता है ना बारिश, और प्रेसिपिटेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि बारिश ही गिरेगी, अगर स्नो गिर रहा है, स्लीट गिर रही है, हेल गिर रहा है, ये सब कुछ कुछ भी गिर रहा है ना, इसका मतलब क्या है, ये सब प्रेसिपिटेशन के फॉर्म है, ठीक है। अगर लिक्विड फॉर्म में गिर रहा है तो उसे हम रेन कहेंगे, सॉलिड फॉर्म में गिर रहा है तो उसे स्नो बुलाएंगे। उसके बाद है ना, तीन टाइप के बारिश हो सकती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ऑरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। तो यानी कि बारिश की तीन तीन वजह हो सकती है। एक होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल, इसमें क्या होता है, वार्म एयर ऊपर जा रही है, ठंडी हवा मौसम करके नीचे बारिश गिरा रही है, ठीक है। पहाड़ी वाले एरिया में क्या होता है, वहां पे है ना बादल में ऑलरेडी इतना पानी लेके घूम रहे होते हैं एकदम से, इसलिए आपने देखा है पहाड़ी वाले एरिया में अगर आप कभी भी विजिट करने गए हो ना, अचानक से बारिश आ जाती है वहां से, एकदम से कभी भी रेनफॉल हो रहा होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे है ना एयर इतनी मॉइस्ट है, इतनी मॉइस्ट है, जब वो बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो क्या करती है, एकदम से बारिश के फॉर्म में नीचे गिर जाती है, ठीक है। इसको हम रिलीफ या फिर ऑरोग्राफिक रेनफॉल बुलाते हैं। उसके बाद साइक्लोनिक रेनफॉल में क्या हो रहा होता है, गर्म हवा ऊपर जा रही होती है, कोल्ड एयर नीचे आ रही होती है, और इसकी वजह से जो मौसम क्रिएट होता है, जो बारिश होती है, उसको हम क्या बुलाते हैं, साइक्लोनिक रेनफॉल बुलाते हैं। रेनफॉल क्यों जरूरी है, बारिश क्यों होनी चाहिए, अगर बारिश नहीं हुई तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है पहली बात तो बारिश अपने साथ है ना पानी लेके आती है, फ्रेश वाटर लेके आती है, ठीक है। रेनफॉल अगर बारिश की कमी हो जाए तो सूखा पड़ जाता है, बारिश बहुत ज्यादा आ जाए तो बाढ़ आ जाती है, ठीक है। अब पानी की जरूरत क्यों है, रेनफॉल की जरूरत क्या है, आप है ना खेती नहीं कर पाएंगे अगर आपके यहाँ पे है ना, आप कितना भी इरिगेशन यूज कर लो, ठीक है, लेकिन बारिश से जो मौसम होता है, और जो इरिगेशन के लिए हम यूज करते हैं हमारे घर में जो मोटर्स के थ्रू पानी आता है, हमारे खेतों में जो मोटर्स और समरसेबल्स के थ्रू पानी आता है, वो सारा पानी आता ही आता है ग्राउंड वाटर से। ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज कैसे होता है, आपने सोचा कि ग्राउंड में पानी कहाँ से आता है, तो जब है ना बहुत ज्यादा बारिश गिरती है, धीरे धीरे वो पानी सीप करके ग्राउंड लेवल में पहुंच जाता है और वहां पर रिचार्ज हो रहा होता है। इसलिए पहले है ना लोग थोड़ा सा नीचे ही डालते थे, खोदते थे, तो क्या होता था एकदम से पानी आने लग जाता था। आजकल है ना बहुत नीचे डेप्थ में आपको खोदना पड़ता है तब भी है ना आपको पानी नहीं मिल रहा होता है। क्यों, क्योंकि आजकल है ना बारिश कम होती है, और बारिश अगर होती भी है ना तो ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज नहीं हो पाता। अब ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज क्यों नहीं हो पाता है, तो आपको पता है आजकल है ना ज्यादातर एरिया सीमेंटेड हो गए हैं। पहले क्या होता था, बारिश मिट्टी पे गिरती थी, धीरे धीरे वो सीप करके अंदर चली जाती है। आजकल क्या होता है, सीमेंट पे गिरती है, अब वो सीप करके कितना अंदर जाएगी, तो वो सारा पानी है ना ऐसे सीवर्स में ही चला जाता है, लेकिन ग्राउंड वाटर लेवल को वो इतना रिचार्ज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेशन के दूसरे फॉर्म्स को स्नो, स्लीट एंड हेल बुलाते हैं। अच्छा एक बार बताओ, साइक्लोन आने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, तो साइक्लोन आने के लिए जो कंडीशंस होनी चाहिए उसमें क्या होता है, आपका जो प्रेशर है वो लो होना चाहिए, और विंड की स्पीड बहुत तेज होनी, हवा बहुत तेज चलनी चाहिए, और लेकिन जो प्रेशर है, एयर प्रेशर है, वो कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। अब यहाँ से एक मार्क का क्वेश्चन आता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, आप सुनो कैसे आता है। उसमें ना वो आपसे पूछते हैं कि साइक्लोन आने के लिए हाई प्रेशर और हाई विंड स्पीड होनी चाहिए, लो प्रेशर एंड लो विंड स्पीड होनी चाहिए, लो प्रेशर एंड हाई विंड स्पीड होनी चाहिए। देखो उन्होंने तीन कंडीशन दे दी, आपको कैसे पता चलेगा कौन सी ठीक है। तो क्या होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए और तेज हवाएं चलनी चाहिए, तो आपका साइक्लोन आ जाता है, चक्रवात जिसको हम बुलाते हैं, ठीक है। आजकल आपको पता ना बहुत सारे चक्रवात आते हैं उड़ीसा वाले रीजन में, ठीक है, इस वाले पूरे एरिया में बहुत ज्यादा साइक्लोन आ रहे हैं। थैंक यू, आई होप आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं है। हमारे 7th क्लास के 4 चैप्टर के साथ ही कंप्लीट हो गए हैं, 6th क्लास की ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गई है, मैंने उनकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, आप उसको देख सकते हो। अगर आप सीटेट का पेपर दे रहे हो जनवरी में जो होने वाला है, अगर आप EMRS का पेपर दे रहे हो, और उसके अलावा आप BPSC का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप TGT SST के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है।